भगवा में हुआ नीमच शहर। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी को है इंतजार उस ऐतिहासिक पल का, 22 जनवरी 2024, जब रामलला अपने भव्य मंदिर में होंगे विराजमान। देखिए दोस्तों, किस तरह से नीमच का चप्पा चप्पा सज रहा है प्रभु श्री राम के स्वागत में। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के तो मुस्तफा जी, 22 तारीख को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो इसको लेके आपकी क्या तैयारियां चल रही है आज? भैया ऐसा है कि लोगों में बहुत उत्साह है, सभी जोरों शोरों से त्यौहार मना रहे हैं, और आगे जिस हिसाब से अभी चल रहा माहौल उस हिसाब से आगे माल भी बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। पहले रेट भी कम थे और माल भी बहुत था, अब ये समझो डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से माल भी नहीं के बराबर बचा लोगों के पास। मतलब दिवाली सरी का माहौल है इस बार लोगों में, और दिवाली से भी ज्यादा हो रहा है इस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी डिमांड चल रही है मार्केट में। 500 वर्ष के कड़े संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद अब वो घड़ी आने जा रही है जब मेरे श्री राम प्रभु की होगी प्राण प्रतिष्ठा। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम राज्य आ रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? भाई हमारा कहना ये है कि भगवान राम का जो इंतजार था 500 साल से, वो भगवान राम जी विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी की बात है कि ये मौका आया। एक तरह की दिवाली आई है, हमारे नया साल है और दिवाली है, तो हम चाहते हैं कि पूरा देशवासी धूमधाम से मनाएं, घर घर दिए जलाएं, सबको शुभकामनाएं देवें कि हर साल 22 जनवरी को दिवाली मनाएं। और ये मौका आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, अगर ये नहीं होते तो शायद ये मौका नहीं आ पाता, तो इसलिए हम प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और सारे देशवासियों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो लाल लश्कर बन रहा है, और इसके लिए हम बधाई देते हैं सभी को। अब सिर्फ 22 जनवरी का है इंतजार, मैं तो हूं तैयार, क्या आप भी हैं तैयार? पूरा नीमच भी दुल्हन की तरह सज के हो गया है तैयार। वो दिन है सोमवार जब मनेगा त्योहारों का भी त्योहार। सभी बोलो जय सियाराम। चौदह बरस का
वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। हो कैसे हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब कब ये आए, कब तब ये आए, पुकारी राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। 22 तारीख को आपको कैसा क्या लग रहा है और शहर में क्या माहौल है? बहुत जबरदस्त माहौल है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम जन्म भूमि पर मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही जबरदस्त आयोजन हो रहा है, तो पूरे भारतवर्ष में इसकी बहुत जबरदस्त तैयारियां हो रही है। चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई सा भी समाज हो, उसमें देखकर ऐसा लगता है कि पूरा 22 तारीख को दिवाली से भी ज़्यादा अच्छा माहौल रहेगा पूरे भारत में। आप व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं 22 तारीख को? हमने 2 दिन पहले ही व्यापारियों की सभी जो भी यहाँ पे व्यापारी वर्ग है उसकी एक मीटिंग ली थी और उन व्यापारियों से बैठकर हमने बात करी कि जो भी एसोसिएट हैं अपने हिसाब से विद्युत सजा करें, टेंट लगाएं, बैनर लगाएं, भगवा झंडे लगाएं, तो सबकी सहमति हुई है और सब अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। एड जिला अध्यक्ष दीपक आसनानी, नीमच। तो दिलीप जी, 22 तारीख की आपकी क्या तैयारी लग रही है और नीमच में एक क्या माहौल है आज? 22 जनवरी की तैयारी भारत नहीं संपूर्ण विश्व कर रहा है और उसी के तारतम्य में नीमच में ऐतिहासिक तैयारियों का दौर चल रहा है। पूरा शहर भगवामय होगा, पूरा शहर में झंडे, बैनर, होर्डिंग एक ऐतिहासिक दौर में चलेंगे और बच्चे से लेकर बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं, बहनें इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रातः काल से रात्रि तक प्रभात फेरियों से दौर शुरू होता है और रात को मंदिर पे भजन गायन के साथ समापन होता है। मंदिर निर्माण को शुरू से लेकर अब जो अंत होने वाला है इसका किस तरह देखा आपने पूरा ये दौर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं कुछ पंक्तियां दोहराऊंगा। मतलब 92 से हम बजरंग दल में काम किया है, बजरंग दल के पदाधिकारी रहे हैं। जब हम बच्चे थे तो माननीय चावला जी और हम जब साथ में गाना गुनगुनाते थे कई लोग और उनसे जोश खड़ा हो जाता था, वो मैं गा के पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे जो अग्रस्त थे वो कहते थे कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, शाह बुद्धि बुद्धिहीन, बुद्धि हो तो बात करे, बाबर की बाबरी से बाबरों की बात क्या। एक पंक्ति जो वर्तमान में मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनकी सरकारों को लेके मैं कहना चाहूँगा कि लोग कहा जाता था पंक्ति में कि राजपाट नहीं रहे राजा की बिसात क्या, मंत्री पद इस्ता ही नहीं मंत्री की औकात क्या। तो ये तो राम जी करा रहे हैं और जिनको राम जी बुलाएंगे वही अयोध्या आएंगे, बाकी जो बाबर की मानसिकता वाले होंगे वो कैसे अयोध्या आएंगे और राम जी उनको क्यों बुलाएंगे। नीमच ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में जो 22 तारीख को लेके कार्यक्रम चल रहे हैं वो अकल्पनीय है और दिन पे दिन जैसे दिन निकल रहा है वैसे सजावट का दौर और राम जी की महिमा का महत्व बढ़ता जा रहा है। आप व्यापार के अंदर कई वर्षों से व्यापार कर रहे हो और लगता था कि ये राम मंदिर एक सपना है, आप व्यापारियों को क्या कहना है? बिल्कुल, अभी तक तो यही लगता था सपना है, पर अब लगता है कि सपना साकार होने जा रहा है और बड़ी उमंग है लोगों के अंदर, बड़ा जोश है, बड़े जोश के साथ तैयारियां चल रही हैं। इस जश्न के ऊपर अच्छे से इसे दीपावली की तरह पर्व को मनाया जाए, पटाखे फोड़े जाए, ये जलाए, एक त्योहार के रूप में ही मनाया जाए। लोगों का बहुत अच्छा उत्सव है और हर साल जो दिवाली बनती है उससे काफी शहरों में इसमें बहुत दिवाली बन रही है और दिवाली से भी बड़ा उत्सव बन रहा है। दिवाली के हिसाब से सब्जी का घरों में लाइटें लग रही है, झंडे लग रहे हैं और हर गांव और सिटी में बहुत उत्सव है इस चीज़ का और हर जगह त्यौहार का भी त्यौहार से भी बढ़कर त्यौहार बन रहा है और काफ़ी उत्सव है इस चीज़ का। हर जगह झंडों की और चिंदी वगैरह इनकी डिमांड है, फर्री वगैरह की बहुत डिमांड है इस बार। अच्छा, पूरी डिमांड कर पा रहे हैं आप? पूरी नहीं हो पा रही भाऊ जी, आगे माल अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा कहीं से भी, इतनी डिमांड है जिसकी कोई हद नहीं है।
मम्मू जी 22 तारीख का क्या इंतजार है आपको? 22 तारीख का मेरे अलावा पूरे देश को और हर हिंदू को इस तरीके से इंतजार है कि 500 वर्ष बाद वापस जैसे राम हर मंदिर में पधार रहे हो और हर घर के अंदर राम आ रहे हो, जैसे हर घर हर गली हर मोहल्ले के अंदर एक उत्साह का माहौल है, जैसे कि एक दीपावली का माहौल, एक दीपावली पर जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है, वैसे ही 22 तारीख को ऐसा लग रहा है कि वापस दिवाली आ रही है। आपने बजरंग दल में काम किया, विश्व हिंदू परिषद में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में काम किया, आपको ये सिर्फ लोबा कहते थे कि ये कल्पना है, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे जो हम काम करते आए हैं हिंदुत्व के लिए हमेशा और आगे भी इस पे काम करते रहेंगे, लेकिन आज जो मोदी जी इस देश के अंदर वापस हिंदुत्ववादी लहर को लेके आए हैं उस मतलब एक बहुत बड़ी बात है ये, और ये आगे भी हिंदू राष्ट्र की ओर ऐसा भगवामय माहौल बनता जा रहा है पूरे देश में और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हरिको राममय हो रहा है, आप व्यापारी लोग क्या करेंगे उस दिन तैयारियां? व्यापारी लोग बहुत खुश हैं, पिछले 500 साल से इंतजार था वो अब पूरा हो रहा है, बिल्कुल दिवाली की तरह मनाएंगे 22 तारीख को। सभी देश में सबको उत्साह है, सबको खुशी है, राममय हो रहा है पूरा देश। नीमच शहर में भी पटाखे फोड़ेंगे, अच्छे से दिए जलाएंगे, सब करेंगे। आपको कितने वर्ष से इसका इंतजार था? जब से पैदा हुए तब से इंतजार था। बस एक राम भक्ति जागी है जो कि मतलब इतने समय से विलुप्त थी, इससे ऐसा महसूस होता है कि अब एक जो पूरे विश्व में एक राम के प्रति, एक राम लल्ला के प्रति एक भक्ति वापस एक नए तरह से उत्पन्न हुई है। बहुत ही भव्यता के साथ मनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। भगवान राम वर्षों के वनवास के बाद पश्चात हमारे अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा त्यौहार है। वो दिवाली से बड़ी इस दिवाली को मनाई जाएंगे और बड़ा भव्यता के साथ बाजारों को सजाया जा रहा है। आप चारों तरफ नीमच में देखिए आनंदमय हो रहा है माहौल, युवा बिल्कुल भक्ति की ओर भक्तिमय हो गया है। प्रातःकाल प्रभात फेरियाँ चल रही है, राम धुन हो रही है, माहौल आनंदमय हो चुका है, राममय हो चुका है। हम इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद जो देश को एक नई दिशा की ओर मोड़। मन अंदर से इतना भाव विहोल हो रहा है कि हम उसकी तैयारी हमने 20 दिन 25 दिन एक महीने पहले से चालू कर दी है, और हमारा ये इसका आयोजन हम तिलक बस्ती में कर रहे हैं जो घंटाघर से लेके भोलाराम कंपाउंड तक रहती है, और भोलाराम कंपाउंड में हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 19 तारीख से कार्यक्रम चालू है, 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 19 तारीख को हनुमान चालीसा का पाठ है, 20 तारीख को सुंदरकांड का पाठ है, 21 तारीख को भजन संध्या है, और 22 तारीख को महाआरती है, और 56 भोग का प्रसाद है, और LED पे प्रसारण है, और इसमें पूरा मोहल्ला एकजुट होकर एक ही जगह इकट्ठा होकर सारे कार्यक्रम निष्पादित करेगा, और इसमें इतना उल्लास है महिलाओं में कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना उल्लास, इतनी तैयारी कर रखी है। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? रिस्पांस तो इतना मिल रहा है कि हम जो चाह रहे थे उससे ज़्यादा बिल्कुल अकल्पनीय रिस्पांस मिल रहा है। हम जा रहे हैं और उसके पहले से उन्होंने तैयारी कर रखी है हमारे बिगड़ गई। मैं अजीत जैन और मैं संगठन RSS से जुड़ा। 550 साल की तपस्या आज पूर्ण होने जा रही है। बहुत ही अच्छा माहौल है पूरे नगर में, जगह जगह पताकाएं लग रही है, और 22 तारीख को अनेक कार्यक्रम रहेंगे। 19 तारीख से इसकी शुरुआत है, 19 से लेकर 22 तक हर कार्यक्रम बढ़िया होंगे। पूरा बाजार सजदस के तैयार है, रामलला को विराजमान करेंगे अयोध्या में, उसके लिए घर घर अक्षत दिए गए हैं, घर घर राम जी की पूजा होगी, मंदिरों में पूजा होगी। जितेंद्र सोनी, अध्यक्ष स्वर्णकार समाज नीमच। 22 तारीख को राम राज्य वापस आ रहा है, क्या कहना है आपका? पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे इसको, और पूरा दिवाली जैसा इसका माहौल रहेगा, वो दीपक जलाएंगे, फटाके फोड़ेंगे और मिठाइयाँ खाएंगे, खिलाएंगे सबको। जीतू तलरिया जी, 22 तारीख की क्या तैयारी है और क्या आप संदेश देना चाहेंगे? खुशी का माहौल है, यह कोई साधारण उत्सव महोत्सव नहीं है, यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमने राम मंदिर बनते देखा है। इसमें हजारों लाखों हिंदू समाज के परिवारों के बलिदान हुए हैं। आज हम वह देखने को जा रहे हैं कि राम मंदिर किस तरह बन रहा है। मेरे आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने घरों पर दीपक जलाएं, रंगोली मानें, मिठाइयां बांटें और पटाखे फोड़ें, और जो आयोजन अधिक से अधिक कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घर परिवार के आसपास में, गली मोहल्लों में, वैसे वैसे आयोजन नियोजित तरीके से करें। जी 22 तारीख को आप कैसे मनाओगे? हम दिवाली मनाएंगे, वो भी बहुत जोरदार रूप से, हर्षोल्लास से दिवाली मनाई जाएगी, और ऐतिहासिक दिवाली, ये समझो 500 साल बाद हमें
ऐसा मौका मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई जंग जीत चुके हैं। हम मुखी साहब 22 तारीख आ रही है, कैसी तैयारी और क्या संदेश है आपका? 22 तारीख आ रही है, 22 तारीख का बहुत टाइम से इंतजार था। मोदी जी ने जो ये तारीख फाइनल करी, पूरा देश उसका इंतजार कर रहा है। बाकी 4-5 दिन बचे हैं, 4-5 दिन में लोग ऐसे जोश है कि भी पहली बार देखने में आ रहा है कि वाकई अब रामराज ही आ रहा है भारत में। हमारे यहाँ पर बहुत तैयारी चल रही है, बागेश्वर मंदिर पे राम जानकी का मंदिर है, वहाँ पे आयोजन रखा गया है। 21 तारीख को बागेश्वर मंदिर के तत्वाधान में हम निकलवा रहे हैं वहाँ से प्रभात फेरी, हम भी उनके साथ ही हैं, सभी समाज की संस्थाएँ उनके साथ है। एवं 22 तारीख शाम को भजन कीर्तन का प्रोग्राम है, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। और बहुत ही लोगों में जोश है, 550 साल बाद ऐसा आ रहा है दिन कि जिनका लोगों को 550 साल से इंतजार था, हम राम लल्ला के मंदिर में जाएंगे और देखेंगे, घूमेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और वहाँ से भरपूर उत्साह आनंद के साथ घूम के आएंगे। मनोहर अर्जनानी, अध्यक्ष पूछिंदी पंचायत। 22 तारीख को भव्य दीपावली मनेगी, 550 वर्ष बाद हमारे राम भगवान मंडप में से, टेंट तंबू में से अपने महल में पहुँचेंगे। इस दिन हमको दीपावली जैसा मनाना है, घर पर दिए लगाने हैं, मिठाइयाँ बांटनी है, फटाखे फोड़ने हैं, वो घर को व्यवस्थित सजाना है, दीपक जलाने हैं, पूरा यही रहेगा हमारा।